स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। और आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो आपका एज्योर क्लाउड पे है। एग्जाम एजर 305 की प्रिपरेशन हम करवाएंगे, जिसमें डिजाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉल्यूशन के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में आपको जैसे पता होगा काफी, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है? बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस है, जिसके थ्रू हम बिल्डिंग आप बाकायदा एप्लीकेशन हुई आपकी सर्विसेज हुए उसको बिल्ड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो और एक अपना एनवायरमेंट, डेटा सेंटर एनवायरमेंट बना सकते हो आपके क्लाउड पे। तो उस चीज को हम लेके जाएंगे एज्योर क्लाउड 30 Azure 305 में। सबसे पहले इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपको किस तरह से आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन ऑन एज्योर पोर्टल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्टेप बाय स्टेप। पहला पार्ट, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन ऑन एज्योर पोर्टल। गूगल पे जाके जस्ट आपको लिखना है एज्योर पोर्टल। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे आएगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप उस पर अकाउंट बना लीजिए और देन साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बना सकते हैं, और एक बार जब आपका अकाउंट बन जाएगा देन आप उसको सेलेक्ट करके आपका यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करिए। ऑलराइट, इस तरह से आपके पोर्टल आएगा। और जब आप फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हैं अकाउंट तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, 1 महीने में जो आपको यूज करने पड़ते हैं एज अ फ्री मिलते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, आप टेस्ट एनवायरनमेंट बना के देख सकें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे। तो सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन पे जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो इस सर्विस दिख रही है आपको, वर्चुअल मशीन, इस पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे मेरे को एक नई मशीन बनानी है वर्चुअल मशीन, तो उसके लिए जस्ट क्रिएट पे एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए अभी मेरा सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल है, क्योंकि अभी मैंने उसको 1 मंथ के लिए उसको यूज में लिया है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आपका सब्सक्रिप्शन आएगा, उसकी लाइसेंसिंग फीस जो से भी होता है, जितना आप यूज करते हैं पे एज यू गो उसके अकॉर्डिंग आपकी इसमें लगेंगे। तो अभी मेरा फ्री ट्रायल है तो यहाँ पे इसलिए फ्री ट्रायल देगा, अदरवाइज यहाँ पे आपके लिस्ट डाउन शो हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है कि जब भी कोई आप वीएम बनाते हो या कोई पर्टिकुलर रिसोर्स क्रिएट करते हो तो मल्टीपल रिसोर्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं कि हाँ ये रिसोर्सेज आपस में डिपेंडेंट है, तो इनके लिए एक ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स ग्रुप। तो अभी मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बना दूंगा केवल VMENV करके, एनवायरमेंट करके एक बना दिया मैंने जस्ट। तो जितनी भी अब मैं जितने रिसोर्स क्रिएट करूंगा वो पर्टिकुलर इसी के अंदर क्रिएट करूंगा, वर्चुअल मशीन भी इसी में क्रिएट करूंगा। देन वर्चुअल मशीन का नाम टेस्ट वीएम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आता है रीजन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जब भी आप क्लाउड में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यूएस का है, ठीक है, आपके एशिया पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट यूरोप, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी के लोकेशन है। तो यहाँ पे जैसे आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने चूज करता हूँ यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, एशिया पैसिफिक में। अलग अलग रीजन की अलग अलग कॉस्टिंग आती है जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ठीक है, तो अपन वो लेटर बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है अवेलेबिलिटी जोन का। तो यहाँ पे डिपेंड होता है कि आपके यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब एक आपके रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। सपोज एग्जाम्पल, फिर सपोज कीजिए एक अवेलेबिलिटी जोन किसी तरह से आपको एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो आपकी वीएम जो आपका रिसोर्स है वो आपको हमेशा 24x7 मिलता रहे, तो उसके लिए आप अवेलेबिलिटी जोन बना सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, जैसे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी जोन, फिजिकली सेपरेट योर रिसोर्स विद इन एन एज्योर, एक रीजन के अंदर एक दूसरा सेपरेट जो आपका फिजिकली सेपरेट रिसोर्सेज बन जाएगा दूसरे जोन में। दूसरा है वर्चुअल मशीन स्किल सेट अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट वीएम कर देंगे अक्रॉस द जोन्स, और फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट जो टॉलरेंस होता है वो उसमें अवेलेबल होगा। देन अवेलेबिलिटी सेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर वीएम अक्रॉस मल्टीपल फॉल्ट डोमेन्स, तो अलग अलग डोमेन्स के डोमेन्स में आपके ये आपकी वीएम जो होगी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपकी कंपनी
रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड है क्योंकि मैं एक टेस्ट वीएम बना के देख रहा हूँ जस्ट। देन ऑप्शन आता है सिक्योरिटी टाइप कि आप इसमें सिक्योरिटी किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल करंटली मैं इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड पर रखूंगा, अदरवाइज आपका ये ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन होता है, ये क्या होता है हम नेक्स्ट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अभी हम मैं इसको स्टैंडर्ड पर रख रहा हूँ। देन इमेज, आपको किस तरह की इमेज चाहिए, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे आपके इमेजेस हैं, जो आपको इमेज चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर एडिशन लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे वीएम आर्किटेक्चर कौन सा है वो यहाँ पे आपका x64 है, एएमडी इज नॉट सपोर्टेड। राइट, इसके बाद आता है रन विथ एज्योर स्पॉट डिस्काउंट, तो आप जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो तो उसमें आपके ये ऑप्शंस होता है रन विद एज्योर स्पोर्ट डिवाइस, तो क्या बोलता है एज्योर स्पोर्ट ऑफर अनयूज एज्योर कैपेसिटी एट ए डिस्काउंटेड रेट, मतलब अगर उस वर्चुअल मशीन जो आपने सेलेक्ट की और इमेज जो सेलेक्ट मतलब करी है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो अवेलेबल है किसके लिए एज्योर स्पोर्ट ऑफर के लिए, तो वो आपको डिस्काउंटेड ऑफर रेट पे आपको मिल जाएगी, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। तो अकॉर्डिंग अगेन अकॉर्डिंग टू योर कंपनी नीड और जो भी होता है उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कैपेसिटी वाइज और प्राइस और कैपेसिटी दोनों वाइज, तो अकॉर्डिंग वही आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको रन विद एज्योर स्पॉट डिस्काउंट को क्लिक नहीं करता जस्ट। राइट, साइज ये होता है कि आपको कितने जीबी रैम चाहिए, कितने वर्चुअल सीपीयू चाहिए, कितनी आपकी हार्ड डिस्क उसमें वो लिमिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या वर्क करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल सीपीयू और 3.5 GB मेमोरी मेरे लिए सफिशियंट है, तो मैं उसको ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे यूजर नेम आप प्रोवाइड कराएंगे, पासवर्ड, ऑलराइट, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका इनबाउंड पोर्ट, मतलब इस मशीन पे कौन से इनबाउंड पोर्ट एप्लीकेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, मतलब आप मशीन को एक्सेस करोगे तो वो उसके लिए इनबाउंड हो जाएगा। राइट, क्योंकि आपके लिए तो आप एक्सेस कर रहे हो लेकिन उस मशीन के लिए इनबाउंड पोर्ट, तो फिलहाल के लिए मैंने उसको केवल आरडीपी पोर्ट इनेबल कर रहा हूँ, दैट इज 3389 रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं इस मशीन को लूंगा आपके आरडीपी के थ्रू, तो 3389 पोर्ट इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, जस्ट आऊंगा नेक्स्ट, जब अब इसके बाद मैं जाता हूँ जस्ट डिस्प्ले सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे दिए डिस्क में आपके यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि ओएस डिस्क टाइप, तीन तरह की डिस्क यहाँ पे दिखाएगा आपको, प्रीमियम एसएसडी, स्टैंडर्ड एसएसडी और स्टैंडर्ड एचडीडी। ठीक है, अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं स्टैंडर्ड एचडीडी यूज करता हूँ। राइट, इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो डिलीट विद वीएम, मतलब जब वीएम डिलीट होगी तो ये हार्ड डिस्क भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी अगर आप इस पर टिक मार्क रखते हैं, तो अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होगी। अभी मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। देन की मैनेजमेंट में प्लेटफॉर्म मैनेज की, जो भी आपकी की यूज कर रहे हो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो हो सकती है, अगर आप खुद मैनेज करते हैं कस्टमर मैनेज की, तो ये की जो फंडा है आपका केएमएस में हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैं प्लेटफॉर्म मैनेज की पे क्लिक करता हूँ। और सपोज कीजिए अगर आपकी ये तो आपको सी ड्राइव देगा, राइट, बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव देगा, लेकिन अगर आपको डी ड्राइव और ई ड्राइव ऐसे मल्टीपल ड्राइव्स बनानी है अलग अलग उसमें मशीन के अंदर मल्टीपल आपके ड्राइव्स होनी चाहिए, देन आप यहां से उसको बना सकते हो क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज को कितने उसकी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज इसको कर दिया, मेरे को सपोज 4 GB की ये चाहिए, तो यहाँ पे 4 GB आ गया। राइट, प्लेटफॉर्म मैनेज और जस्ट इसको डिलीट विद वीएम कर दिया। ठीक है, अगर शेयर डिस्क को इनेबल करूंगा तो ये आपकी शेयर अवेलेबल रहेगी बाकियों के लिए भी, नॉट एक्सेसिबल ओनली शेयर, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए, जस्ट ओके। एडवांस में जाऊंगा, यहाँ पे आपका अभी कोई ऑप्शन एनेबल नहीं है क्योंकि अभी मैंने इस चीज को एक्सेस नहीं किया, जब एक बार मेरी वर्चुअल मशीन बन जाएगी देन मैं इस चीज को आपको बताऊंगा। जस्ट नेक्स्ट, नेटवर्किंग पे गया, अब देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है, जब भी आप एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं एज्योर में या AWS में तो ऑटोमेटिकली उसका एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होता है, जैसे मैंने VMENV करके एक रिसोर्स को बनाया था तो उसका एक ऑटोमेटिकली वर्चुअल नेटवर्क बन दिया और उसका एक सबनेट डिफाइन हो गया। अगर आपको नया सबनेट डिफाइन करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हुआ है 10.1.0.0/24 का।
देन पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस मशीन को पब्लिक आईपी असाइन ना हो तो आप यहाँ पे इसको नन कर सकते हैं, लेकिन ये एज्योर क्लाउड पे है तो मेरे को इसको एक्सेस होने के लिए मेरे को पर्टिकुलर पब्लिक आईपी चाहिए होगा, जब तक कि मैं इसमें टनल एज्योर डेटा सेंटर से मेरे सिस्टम के बीच में टनल क्रिएट ना कर दूं। तो फिलहाल के लिए पब्लिक आईपी चाहिए। देन सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं ये मैं बाद में आपको डिस्कस कराऊंगा, अभी क्या मैं इसको बेसिक पे कर रहा हूँ। पब्लिक इनबाइंड पोर्ट सेलेक्टेड पोर्ट के लिए कर दिया 3389, राइट। अब यहाँ पे डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनआईसी व्हेन द वीएम इज डिलीटेड, इस पर मैं टिक मार्क करता हूँ। अगर मैं इस पर टिक मार्क करता हूँ देन वर्चुअल मशीन जब मैं डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी एड्रेस जो इस वर्चुअल मशीन को असाइन हुआ है और एनआईसी कार्ड वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, राइट। जस्ट नेक्स्ट, ये मैनेजमेंट का है, ये मैं आपको जब एक बार नॉर्मल मशीन आपकी वर्चुअल मशीन बनाना सीख जाएंगे देन आगे के टॉपिक्स में इसको डिस्कस करूंगा। जस्ट नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू एंड क्रिएट में, जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट। देखिए यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि 9.1885 INR पर आवर्स के हिसाब से इसकी प्राइसिंग लगेगी 1 घंटे के, राइट। ये सारी इनकी इसके ऑप्शन हो गई इन्फॉर्मेशन, जस्ट इन्फॉर्मेशन आने का इसको आप क्रिएट कर देंगे। अगर कुछ एरर होती है तो यहाँ पे वैलिडेशन पास की जगह फेल लग जाता है। ये देखिए डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी वर्चुअल मशीन बनके तैयार हो जाएगी और हम उसको ओवर द वैन इस मशीन से उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, तो गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा मैं। ये देखिए टेस्ट वीएम मेरी ऑलरेडी बनके तैयार हो चुकी है। अगर इसका ओवरव्यू देखता हूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि मैंने कहाँ पे थी, कौन सी लोकेशन, आपकी फ्री ट्रायल यूज कर रहा है सब्सक्रिप्शन में। पब्लिक आईपी जो इसको मिला हुआ है वो ये है 20.25.147.186, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो हो रही है, लाइक प्रॉपर्टीज आपका कौन सा वर्जन है, क्या पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी क्या है, कितनी साज है, कितनी वर्चुअल सीपीयू, कितनी रैम है, कितनी डिस्क अलॉक हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो सकती है। अगर आप मॉनिटरिंग में जाएंगे तो मॉनिटरिंग अभी हमने सेट नहीं किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। और फिलहाल मैं इसको कनेक्ट करने के लिए यहां पे क्लिक करता हूं आरडीपी के लिए। ऑलराइट, ये देखिए जस्ट मैं इसको डाउनलोड आरडीपी फाइल करता हूं, ये मेरी आरडीपी फाइल आ गई डाउनलोड, इसको जस्ट मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट, और ये देखिए कनेक्ट हो गई। जो मैंने जिस यूजर नेम को दिया था उस यूजर नेम से मैं इस पे लॉगिन करता हूं, जस्ट ओके। ये देखिए टेस्ट वीएम जो बनाई थी मैंने, ऑलराइट ये देखिए इस तरह से आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं एज्योर अकाउंट में। सेकंड वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो किस तरह से हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं, सेकंड टॉपिक आपका वो होगा। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं,